जैसे ही देखा तो ब्रजवासी बोले लाला आज माखन नहीं चलेंगे, इशारा कर दिया। मुखी बोला नहीं बात हो ही गई, नैनों ने देखा नहीं नजारे नजर आ गए। ब्रजवासी गए बछड़ा खोल में, जैसे ही ब्रजवासियों ने बछड़ा खोला मैया तो गई न्यू और ब्रजवासी गए, इधर मैया ने फिटका लगा दी, सौ तुमको शर्म नहीं आती मेरे लाला की बदनामी करेगी, जब तक मेरे लाला को रंगे हाथ नहीं पकड़ोगी जब तक मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगा। गोपियों ने सोचा अब क्या करें, अब देखिए महतारी विश्वास ना करे तो गोपियों ने एक मटकी मंगाई, मटकी में मक्खन भरे और छीके पे लटकाए दे, छीके जानते हो छीको, पहले छीके होते थे आजकल वो चले गए फ्री, सब फ्री जमे, अनार बिजली सब फ्री जमे, धरवे को गु फ्री जमे, धरवे को गु फ्री जमे, सवेरे काटने सलाद और शाम तक फ्री जम धरी है, कैसे खा रहे भैया कैसे बुद्धि खराब हो गई है ना, फ्रिज में रखो अच्छी बात है, फ्रिज में है क्या, गैसी तो है, कोई तरल पदार्थ इत्यादि जो खराब ना हो, फल इत्यादि भी देखो तो दो घंटे पहले निकाले तब काटो, बाजी बाजी तेनों आला सके सवेरे सलाद काट के धरी शांत और धनी जी वही खबर है, खाएंगे तो मरेंगे भैया, कोरोना तो वैसे ही पैदा हो जाएगा। बोले राज है कुछ नियम सिस्टम से छीके में मटकी लटका दी और नीचे घंटी लटका दी महाराज। गोपी बोली दादी को जैसी मक्खन खा भी आवे ना तो ये अलार्म बजे हो सो गया अरेस्ट कर लेंगे, और गोपियों ने वही किया। ठाकुर जी चले, जैसे ठाकुर जी किवार खोली देखो तो घंटी लटक रही, कन्हैया बोले हट, ब्रजवासी बोले लाला हम तो हार के मरिए वैसे ही है, लाला तू तो कहते मार दे वो हमें, अरे भैया तुम्हें नहीं पता एक तार आ रो ठंडो एक तार आ रो गरम। ब्रजवासी बोले देख लाला हमें ग्वालिया हम डाले गोबर, तू हमारे इंग्लिश में बात मत करे, तू लाला हमने हिंदी बात कर शेर हिंदी में सांकरा की भाषा में बोले, तू हमारे नोएडा की भाषा मत बोले दिल्ली की मत बोले, लाला तू हमारे इंग्लिश में मत बतरावे। कन्हैया बोले भैया जैसे मक्खन खाओगे ना एकदम शरीर ठंडो है जावे को आहा, और बेटा जब ये अलार्म बजेगो और जब गोपी ने की मार पड़ेगी देख हमारे पे देख आलप है देख बेलन देख चकरा तमाम घर में है जाओगे। ब्रजवासी बोले तो लाला तो आज तो आज तो आज तो आज तो आज हमें मक्खन खाने को नहीं मिलेगा मिलेगा, पहले मैं घंटी से बता रहा हूँ। कन्हैया बोलो घंटी तू बजेगी तो ना, घंटी बोली ना बजूंगी, और बजगी तो बोली प्रॉमिस, घंटी बोली मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं नहीं बजूंगी और बजगी नहीं बजूंगी ना, आज ग्वाले की परग्वाला ग्वाले की परग्वाला और सबसे ऊपर मुरली वाला आहा सबसे ऊपर बैठे हो, और ब्रजवासियों को खवाना प्रारंभ किया। अरे ब्रजवासियों खाओ भैया, जैसे ही खवाना प्रारंभ किया है और वही ब्रजवासी एकदम महाराज, अरे खाओ अरे ब्रजवासियों जैसे ही
खवाना प्रारंभ किया है। बस उसी समय पर अरे लाला तू भी तो खा ले, निवेदन किया लाला तू भी खा ले लाला, जैसे ही निवेदन किया और उसी समय पर सारे ब्रजवासियों ने खाना प्रारंभ किया। अरे लाला तू भी तो खा, निवेदन कर दिया महाराज, सारे ब्रजवासियों ने आग्रह किया और उन्हें निवेदन कर दिया महाराज, जैसे ही ठाकुर जी ने डाला एकदम ठाकुर जी ऊपर गए हैं और हाथ लगाया और एकदम महाराज घंटी एकदम घंटी बजी, चलो 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 एकदम पकड़ लिया महाराज, जैसी पकड़ियो उसी हाथ पकड़ियो महाराज और पकड़ के ही आओ तो कन्हैया बोलो गोपी तेरे हाथ जोड़ू तेरे पांव बुझू तेरी बलैया ले लूं, काहे को रे रखा ही रो आराम से बता होलोल बता काहे को बता काहे को बता काहे की पूजा अब जो तो बढ़िया पूजा है री क्यों सिर बुला लो जी बोले राधे या तो पूजी ना मान लो या तो पूजी ना मान लो बोलो राधे आज उसी समय पर हाथ पकड़ियो महाराज और गोपी बोली दादी के तेरे बड़ो नाकम दम करियो है दी महतारी की होने जाऊंगी तो पिट पाऊंगी धमुकरा लगवाऊंगी कन्हैया बोले गोपी तेरे हाथ जोड़ू तेरे पांव बुझू तेरी बलैया ले लूं लेकिन मेरी मैया के पास समझ ले जी दारी के तो पिटवाऊंगी धमकरा लगवाऊंगी तेरे तेरे गाल गुच्छा लगवाऊंगी खरी बोले इधर आई रही है ज्यादा तेरे हाथ जोड़ो पाम पूज रहा हूं ज्यादा बनकी दिखा रही है इधर आई रही न मानेगी न मानूंगी अच्छा तो पहले वो घंटी पे बतरा दे कन्हैया बोलो घंटी तू क्यों बजी जब तूने प्रोमिस कर दिया तो बदी क्यों घंटी बोली प्रभु क्या करूं मेरे सामने इतनी मजबूरी आ गई कि मुझे बचना पड़ा कि जब तक ग्वाल वालों ने मक्खन खाया मैं ना बची। वेद कहते पुराण कहते हैं कि भगवान का भोग लगे तो बिना घंटी के भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। लेकिन यार गहरे देख लो यहां भैया भले जाए बोले राधे आज उसी समय पर जैसी हाथ पकड़ियो और गोपी ले जाने लगी है हाथ पर क्यों खींचियो जैसी गोपी ले जा रही थी महाराज आगे थे ग्वाला है को ग्वाला ग्वाला बोलो रे कन्हैया कहाँ जा रहे हो कन्हैया बोलो देख 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 गोपी ब्याह करावे ले जा रही है अपने पीहर मेरे को ब्याह ला कहूँ भाई वाला बोलो के तो निबक ब्याह जाएंगे तू तो निबक गोपी पसंद करे लाला ऐसी कौन सी गोपी है जो तुझे लायक नहीं करती हो सब गोपी तुझे लायक करती सब गोपी तुझे विवाह कर सब गोपी तुझे पसंद करती लाला मेरा ब्याह ना है मेरा ब्याह करवाए तो वाला बोलो कन्हैया बोलो चुप रहियो बोलियो मैं आगे दे बाबा आ रहे थे ऐसी घूमट हाथ करे घूमट मारियो और कन्हैया ने हाथ न्यू करियो गोपी ने कन्हैया ने अपने हाथ की बजाओ देवर को हाथ दे दो हाथ में चली इधर कन्हैया मैया की गोद बैठी हो और उसी वक्त गोपी खींच के ले जा रही चल जा रही चल चल कि घाल गुच्छा लगवाऊंगी तो पिटवाऊंगी ग्वाला बोलोगी तो पिटवा ले जा रही है कन्हैया तो न करो ब्याह करवाएगी पर कन्हैया न करो चुप रहियो बोलियो मत कुछ जगह ऐसी होती जहां ज्यादा बोलना कभी कभी बोलना खतरा बन जाता है कभी कभी बोलने में बड़ा नुकसान हो जाता है कभी छोटी-छोटी फुंसियां कैंसर बन जाती हैं कभी छोटे-छोटे रोग महान ले जाते हैं छोटी-छोटी बात बड़ी तूफान बन जाती है कभी कभी यह मुझे दृष्टांत याद आ रहा छोटा सा एक छोरा हकलो तुतलो बहुत हकलावे बहुत तुतलावे छोरी बार यहां में और चले जाएंगे बिहार नगर हकले को छोरा की उम्र है 50 साल एक दिन छोरी बारे को फोन आयो अरे भैया आप तुम्हारी लड़की को देख ले आ रहे हैं घर वाले बोले छोरा सुन नहाए के धोके द्वारा बेड़ी पर बोलियो मत तू छोरी बारे आ जाए तो बोलियो मत बिल्कुल
छोरा नहायो धोयो और द्वार पर बैठो जेवरी बटवे लगे रहे। लड़की के घर वाले आए, नाश्ता पानी किया, घर मकान देखा, सब खुश हो गए। सांझ है गई, उनमें एक बुढ़ा भी आया था। बुढ़ा बोलो कि छोरा ना है, बोलो बात क्या है। सुबह से शाम है गई, जाके संग ब्याह है भी जा रहे हो, छोरा बोल क्यों नहीं रहे हो। छोरा जेवरी बट लो महाराज। उस बुढ़े ने जेवरी उठाई और वाकई बढ़ाई करी महाराज। अरे लाला ऐसी जेवरी हमने देखी कबू, और जैसी वाकई बढ़ाई भाई तो एकदम बोलना चाहो, लेकिन बोलो नहीं, चुप है। घर के जो घरे बोले मच्छी तेरे ब्याह हो गए। जैसी तो कह बोलो लाला 80 साल की उम्र हमारी है गई, पर ऐसी जेवरी हमने नहीं देखी बेटा। और जैसी वाकई बढ़ाई भाई इतनी दिन में तो बोल उठे हो, बोलो आ आ, बोल उठे हो तो महाराज बोलो आ आ। अभी तो लुल्लर है, जब लुल्लर हो जब देखी हो, बोलो अभी तो दुल्लर है जी, जब चिल्लर हो जब देखी हो। डोकरा बोलो भाई छोरी बच गई, नहीं हकले को ब्याह है तो महाराज। आज देखिए आगे पहुंचे वाला बोलो कभी अगर बोलियो मत, तेरे ब्याह जावे को गोपी खेच के ले जा रही है। जसोदा माँ की गोद में कलैया बैठे हुए, गोपी ने शिकायत करी है माँ आप तेरो लाला पकड़ियो। जसोदा बोली सोद बाबरी है रही है, अरे भांग पी आई है, मेरे छोरा मेरी गोद में बैठे हुए, जैसे घूमट उभारे हो तो हाथ में ग्वाला। गोपी बोली कन्हैया पकड़ गई ग्वाला कैसे है गो। आज गोपी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे प्यारे हम जैसी गोपी तेरा पार नहीं पा सकती और संसार तेरा पार कभी नहीं पा सकता है। और आज वही गोपियां यदि प्यारे तेरी बहुत याद आती है हमें, नेक नहीं आती है, दिन आती है रात आती है, कोई घड़ी ऐसी नहीं जैसे तेरी याद हमें ना आती हो। आइए थोड़ी देर का प्रोग्राम और है अभी, उसके बाद विभाग की तरफ ले चलेंगे आपको। और मैं निवेदन कर दूंगा बीच में एक बार फिर, कल सुबह 8:30 बजे गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।